बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ग्रेड सेवन। टुडेज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रैशनल नंबर, यूनिट नंबर सेकेंड। वी विल स्टार्ट एंड यूनिट नंबर सेकेंड इज रिलेटेड टू रैशनल नंबर। बेटा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इससे पहले आपको ये तो पता है कि नंबर्स की बहुत सी टाइप्स होती हैं। होल नंबर अलग होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, इवन ऑड नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। ऐसे बेटा रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो रेशो की फॉर्म या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकें। ठीक है, हमने ग्रेड फाइव और ग्रेड सिक्स में भी आप लोगों ने ये पढ़ा है कि रेशो और फ्रैक्शन, तो यानी कि जो फ्रैक्शन में या रेशो में जिस नंबर को लिखा जा सके वो तमाम रेशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3:4 इस तरह से लिखे, और आपको पता है कि इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, जिसे रेशो या हर वो नंबर जिसे रेशो या फ्रैक्शन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सके वो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर डिनोटेड किए जाते हैं क्यू से, इट इज डिनोटेड बाय क्यू, जैसे कि तमाम नंबर्स की डिनोशन होती है। नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को जेड से करते हैं, होल नंबर को W से करते हैं, प्राइम नंबर को P से करते हैं, इसी तरह रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों होते हैं, लेकिन इसमें एक ख्याल आप रखें हैं कि क्योंकि मैंने कहा है कि ऑल इंटीजर्स आर द रेशनल नंबर, तमाम इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर आर दोज नंबर विच हैज बोथ साइड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसमें एक ही नंबर लाइन में हमें दोनों साइन मिल रहे हो, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो ओवरऑल सब ही रेशनल नंबर में होते हैं। वो मैं आपको बताऊं, देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, -5 है, -7 है, ये कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव भी हैं। ये इजीली आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये हमने आपको पहले भी बताया है ग्रेड 5 से आपने पढ़ा है कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हम एज ए 1 कंसीडर कर लेते हैं। जहाँ नंबर में कुछ भी नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता वहाँ हम एज ए 1 डिनोमिनेटर कंसीडर कर लेते हैं। तो इस तरह से जितने भी इंटीजर्स हैं ना, इंक्लूडिंग 0 समेत जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब जो है रेशनल नंबर है, वो तमाम रेशनल नंबर है। जितने भी इंटीजर्स होंगे वो तमाम रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, क्योंकि वो इजीली फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में। यानी जितने भी हमारे पास नंबर है, जितने भी नंबर है, 0 तो न्यूट्रल नंबर है ना, इसके पास ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव है। ठीक है, ना नेगेटिव साइन है। तो जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे इजीली फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये हम जानते हैं ये रूल फ्रैक्शन का कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हम एज ए डिनोमिनेटर 1 कंसीडर कर लेते हैं। इसी तरीके 0.1, 0.3 यहाँ डिनोमिनेटर 0 के नीचे डिनोमिनेटर में 0 एज ए न्यूमिनेटर तो हो सकता है, एज ए डिनोमिनेटर नहीं हो सकता। ठीक है, 0 न्यूट्रल नंबर है, ये फ्रैक्शन में बन सकता है, लेकिन एज ए न्यूमिनेटर इसको ऊपर तो रखा जा सकता है, नीचे डिनोमिनेटर की जगह नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर की जगह रखेंगे तो हमारा आंसर जो है वो इन्फिनिटी में चला जाएगा। ठीक है, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो इजीली, आप देखें जितने भी नंबर्स हैं वो इजीली 0 समेत वो इजीली जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहे, तो हम कह सकते हैं कि वो तमाम जो है रेशनल नंबर है। हाँ, अगर इस तरह से होगा 0 एज ए न्यूमिनेटर तो रेशनल नंबर बनेगा, लेकिन 0 एज ए डिनोमिनेटर रेशनल नंबर नहीं बनेगा। यहाँ पर नहीं होना चाहिए 0, डिनोमिनेटर नीचे वाले हिस्से में 0 नहीं आना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और कौन से नंबर्स हैं जो कि रेशनल नंबर हो सकते हैं? आर परफेक्ट स्क्वायर्स आर द रेशनल नंबर। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं लाइक 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड सो ऑन। ठीक है, जितने भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आएंगे वो तमाम हमारे रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि जैसे ही रेडिकल हटेगा जब हम परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर थे जिसमें डेसिमल आ जाए, डेसिमल ऐसे जो नॉन परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट नहीं होते, यानी पूरे पूरे डिवाइड नहीं हो रहे होते किसी टेबल से,
अब देखें ये है हमारे पास 4, जब हम रेडिकल हटाएंगे 4 का तो हमें क्या मिलेगा, 4 का हम रेडिकल हटाएंगे बेटा तो हमें मिलेगा 2, परफेक्ट स्क्वायर है 4 जो है उसका रेडिकल है 4 जो है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, सही है। अब आप देखें ये नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर से ये ठीक है 2/1 या आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हो फ्रैक्शन में। इसी तरह से 9, जब हम 9 का रेडिकल हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 3, 9 बराबर 9 किसका स्क्वायर है 3 का, ठीक है रेडिकल हटाएंगे हमें 3 मिलेगा 3/1, ये हमारे पास हो गया है रेशनल नंबर। इसी तरह से 16, 16 किसका रेशनल नंबर है 16, और 16 किसका स्क्वायर है 16 है बेटा 4 का स्क्वायर, 4/1, यानी कि ऐसे हमें इनको इनका रेडिकल हटाने से ऐसा एक परफेक्ट नंबर हमें मिल रहा है कि इसको हम इजीली 1 लगाकर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। 25 का रेडिकल हटाएंगे स्क्वायर्स का बनाएंगे इसका रेडिकल निकालेंगे तो हमारा बनेगा 5, ठीक है यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है पूरे पूरे हमें नंबर्स मिलेंगे जिनको हम इजीली अपॉन में लिख सकते हैं, इजीली उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और एज ए 1 उसका डिनोमिनेटर कंसिडर कर सकते हैं। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं वो हमारे पास एज अ रैशनल नंबर सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स में। आप यहाँ आपको नेचुरल होल नंबर अलग अलग करके नहीं बता रही, इसमें नेचुरल नंबर भी आ गए, होल भी आ गए, इवन ऑड भी आ गए, प्राइम कंपोजिट भी आ गए, इंटीजर्स में सारे नंबर्स आ रहे, ठीक है क्योंकि दोनों साइन के साथ प्लस के साथ और माइनस के साथ। तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब रेशनल नंबर है, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है वो सब रेशनल नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर यानी जब उसका स्क्वायर हटाए उसका रेडिकल निकाले तो आंसर हमारा डेसिमल में ना आए, ठीक है। तीसरी इसकी जो कंडीशन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड नंबर आर आल्सो इंक्लूड इन रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटेड मतलब टर्मिनेटेड ना खत्म होने वाले, नॉन टर्मिनेटेड बट रिपीटेड नंबर, रिपीटेड नंबर। तीसरी कंडीशन जो है रेशनल नंबर की वो ये है कि नंबर जो है नॉन टर्मिनेटेड हो, पहले तमाम इंटीजर्स आ गए और परफेक्ट स्क्वायर जो है वो इसमें है एज ए रेशनल नंबर, और जितने भी नॉन टर्मिनेटेड बट रिपीटेड नंबर्स हैं वो हमारे आएंगे रेशनल नंबर में। फॉर एग्जांपल 1.444 इस टाइप से अगर फिगर चलती आ रही है, ठीक है इस स्ट्रक्चर को फिगर में 1 यानी डेसिमल के बाद, ये नॉन टर्मिनेटेड का मतलब है कि डेसिमल भी यही है उसके बाद भी खत्म नहीं हो रहा, हम डिवीजन में यही करते हैं डेसिमल लेकर 0 बढ़ाते हैं, 0 बढ़ाने के बाद मेरी ट्राई होती है कि वो खत्म हो जाए, लेकिन नहीं खत्म, अगर खत्म होता है पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है कहीं किसी स्टेज पर जाकर तो टर्मिनेटेड हो जाता है, जो नहीं होता खत्म वो होता है नॉन टर्मिनेटेड, ठीक है नॉन टर्मिनेटेड यानी अभी ये सीरीज चलती जाएगी, रिपीटेड सीरीज है, बार 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 ये नंबर आएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको हम कैसे एज ए होल नंबर कंसीडर करेंगे, देखें ये 1.4, ठीक है अब 4 कितने टाइम्स रिपीट हो सकता है, 9 टाइम्स, क्योंकि 9 टाइम्स के बाद जो है वो 9 टाइम्स अगर हमारे पास 4 रिपीटेड होगा, 9 हमारा बड़ा डिजिट है, ठीक है 9 टाइम्स हम किसी नंबर को रिपीट कर लेते हैं। मैंने आपको ये देखें ये हमने 1 और 4 हमने दिया, ये तो एज ए होल नंबर आ गया, 1 तो एज ए होल नंबर आ गया और यहाँ पर हमने 4 और 4 डिवाइडेड बाय 9 यानी कि ये जो हमने बार शो किया ये कितने नंबर पर है, 8 पर, 4 पर ओनली, तो यानी हमने तमाम ये हटा दिया और इसको एक सबसे बड़े डिजिट से यहाँ शो कर दिया कि एटलीस्ट 9 टाइम्स जो है ना यहाँ पर रिपीटेड होगा, ठीक है 9 जो हमारे पास का ये यूनिट का सबसे बड़ा डिजिट है, ठीक है यहाँ हम देखते हैं 4.9। इसी तरह से अगर कोई नंबर है